नमस्कार, मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। वक्त तो चला सुबह सुबह की ताजा तरीन खबरों का। अशोक गहलोत नहीं मनाएंगे जन्मदिन, राजस्थान में लागू होगा महामारी अध्यादेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कोरोना महामारी के कारण गहलोत ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लिया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने उन्हें हमेशा भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया है, यही उनकी पूंजी है। संकट की घड़ी में वे स्वयं और पूरी राज्य सरकार जनता के साथ खड़ी है। कोरोना की जंग जीतने के लिए प्रदेश की जनता जिस धैर्य, अनुशासन एवं त्याग का परिचय दे रही है, वह सराहनीय है। न्यायालय में जरूरी प्रकरणों की सुनवाई व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र सरकार द्वारा 17 मई 2020 तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर यह तय किया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट एवं राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय भले ही रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में स्थित हो, वर्तमान समय में जारी अर्जेंट प्रकरण की सुनवाई की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि ग्रीष्मकाल के मद्देनजर न्यायालयों की कार्य समय अवधि प्रातः 8:30 से 11 बजे तक रखी। राजस्थान के करौली का सपूत जम्मू कश्मीर के तंगधार में शहीद। राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले लाल जोगिंदर सिंह सोलंकी जम्मू कश्मीर तंगधार में ग्रेनेड ब्लास्ट में शहीद हो गए। जोगिंदर सिंह सेना की जाट बटालियन में जम्मू कश्मीर के तंगधार में तैनात थे। शनिवार को हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में जोगिंदर सिंह समेत सेना के 2 जवान शहीद हो गए। बाद में जोगिंदर सिंह के परिवार को तब उनकी शहादत की सूचना मिली तो घर में मातम पसर गया, गांव में सन्नाटा पसर गया और शोक की लहर दौड़ पड़ी। शहीद के पार्थिव शरीर को आज उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा के मजदूरों के रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को कुछ सलाह दी। अशोक गहलोत ने मांग रखी कि जो मजदूर मनरेगा के तहत काम करते हैं उन्हें भी काम के अभाव में अभी केंद्र सरकार की ओर से तनख्वाह मिलनी चाहिए और ये कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने सभी उद्योगपतियों से अपील की है कि लोगों को सैलरी दे या नौकरी से ना निकाले, ऐसे में मनरेगा को लेकर यही आदेश लागू होना चाहिए। अचानक बजरी की खान धसी। बीकानेर के नोखा में बजरी की खान धस गई है। वार्ड नंबर 22 की यह घटना है जहाँ अचानक बजरी की खान धसी, जिसमें एक मकान की 4 दीवारी के बाहर बड़ा गड्ढा हुआ, लेकिन हालांकि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई।